Hello students, welcome to online class. Today I am going to teach you striving for equality. This is my third video on this topic, striving for equality. In my first video I have discussed about prejudice, discriminations, stereotypes, and second video I have discussed about the preamble of Constitution, and in third video I am going to discuss about some articles. So today I will discuss four articles that is related to equality. First is Article 14, Article 15, Article 16, and Article 17. Why I am discussing the striving for equality and the framework of constitution made provision about equality in the constitution? Because equality is basic requirement or conditions for any progressive society. Equality is basic requirements to progress of any societies and countries. अगर किसी एक कंट्री या सोसाइटी को डेवलप करना है, आगे बढ़ना है, तो वहाँ पे इक्वलिटी का प्रैक्टिस में होना, इक्वलिटी का होना बहुत जरूरी है, वेरी नेसेसरी. सो दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर्टिकल 14. व्हाट आर्टिकल 14 सेज. सो आर्टिकल 14 सेज आर्टिकल 14 of the constitution guarantees to every person equal before law and the equal protection of law within the territory of India. Article 14, संविधान का आर्टिकल 14 क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कानून के नजर में सब लोग बराबर हैं. कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वलिटी की बात करता है, सबको इक्वलिटी प्रोवाइड करवाता है. सो एवरी पर्सन कानून के नजर में हर कोई बराबर है. ये नहीं कि कानून रिच पर्सन के लिए अलग है, पुअर के लिए अलग है, नहीं. टू एवरी पर्सन इक्वल बिफोर लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन. इसी तरह से प्रोटेक्शन के मामले में भी कानून अपना काम एक समान करेगी. किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, किसी को कम इंपॉर्टेंस दे, नहीं, गरीब हो अमीर हो, सबके लिए कानून बराबर है और सबको एक समान ट्रीट करेगा. सो दिस इज द प्रोविजन इन आर्टिकल 14. सो रिमेंबर दिस. नेक्स्ट वी कैन कम आर्टिकल 15. व्हाट आर्टिकल 15 सेज. आर्टिकल 15 द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट आर्टिकल 15 सेज द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ discrimination. Discrimination means headlock on grounds of the region, race, class, sex or place of birth. Article 15 में ये provision है. Article 15 ये कहता है कि कोई भी discrimination headlock नहीं कर सकता. Headlock किस किस base पे हो सकता है? Religion, दो धर्म के बीच में. एक धर्म वाले अगर कोई किसी जगह में कोई ऑफिसर्स हैं, कोई बॉस हैं, अब वो रिलीजियन के बेस पे हायर पोस्ट में हैं, अब वो देखते हैं कि मेरा जो रिलीजियन है, सामने वाले जो मेरे से काम कराने के लिए आए हैं, जो मेरा क्लाइंट है, उसका रिलीजियन मेरा डिफरेंट है, तो रिलीजियन के बेस पे बायस हो जाते हैं, उनको वेटेज दे देते हैं, नहीं नहीं ये मेरे धर्म के नहीं है, अलग धर्म के लोग हैं. तो अगर ऐसा कोई धर्म के बेस पे कोई भेदभाव करता है तो ये सही नहीं है. आर्टिकल 15 क्या कहता है, किसी भेदभाव इंडियन सिटीजन्स के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए. किस किस बेस पे नहीं होना चाहिए? रिलीजियन के बेस पे, रेस, नस्ल के बेस पे, गोरे काले के बेस पे भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए. रिसेंटली आई थिंक यू हैव हर्ड द केस इन अमरीका जहाँ पर भेदभाव हुआ, एक काले लोगों को मार दिया गया. सो दैट इज द केस ऑफ रेस, नस्ल एंड कास्ट, जाति के बेस पे. जाति के बेस पे ये छोड़
छोटी जाति है, ये बड़ी जाति है, इसके बेस पे भी भेदभाव होता है। एंड सेक्स मींस मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल, ठीक है, ये मेल और फीमेल, हम मेल हैं तो हम फीमेल को सपोर्ट नहीं करेंगे, फीमेल है तो मेल को सपोर्ट नहीं करेंगे। सो दीज आर द नेगेटिव थिंग्स। सो इसके बेस पे भी भेदभाव होता है, मेल एंड फीमेल के बेस पे। एंड प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप दिल्ली में है, बिहार में है, तो यूपी वाला यूपी के साइड ले रहा है, बिहार वाला बिहार के साइड ले रहा है, दिल्ली वाला बिहार को नीचे नजर से देख रहा है, वो दूसरे को ये उस जगह से है, इसको हम यहाँ नौकरी भी नहीं देंगे। सो है ओवरऑल सब इंडियन, इंडिया के ही लोग हैं, लेकिन भेदभाव आ जाता है, नहीं हम यूपी वाले को ही हम सपोर्ट करेंगे, बिहार वाले को सपोर्ट करेंगे। तो इन बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, जो कि समाज में ऐसा होता है। किस बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है? रिलीजियन के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट, सेक्स, मींस मेल एंड फीमेल एंड प्लेस ऑफ बर्थ। सो आवर आर्टिकल 15 सेज इन बेस पे आप कोई भेदभाव नहीं कर सकते, अगर ऐसा कोई करता है तो उसे पनिशमेंट मिलेगा। नेक्स्ट कम टू आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 वेरी इंपॉर्टेंट टू अपलिफ्टमेंट ऑफ आवर सोसाइटी एंड आवर कंट्री। सो आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजंस इन मैटर ऑफ पब्लिक इंप्रेट, मैटर ऑफ पब्लिक इंप्रेट। आर्टिकल 16 के हिसाब से रोजगार में, नौकरी देने में, काम लेने में सबके साथ इक्वल, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है, इसमें भी भेदभाव नहीं करना है कि किसी को, किसी के लिए क्राइटेरिया कुछ हो, किसी के लिए ऊंचा क्राइटेरिया हो, किसी के लिए नीचा क्राइटेरिया, जो भी हो, सरकार किसी तरह से भी अगर वैकेंसीज निकालती है, लोगों को एम्प्लॉय नौकरी देते हैं, तो सबके लिए एक लेवल का कानून होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए सबको बराबर, किसी तरह का उसमें भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। सो आर्टिकल 16 इट गिव्स पावर टू द स्टेट टू मेक प्रोविजन फॉर द डिसएडवांटेज ग्रुप्स। अगर हमारे समाज में कुछ लोग पीछे रह गए, पिछड़ गए, डेवलप नहीं कर पाए, बहुत गरीब हैं, पुअर कंडीशन में हैं, बहुत बैकवर्ड हो गए, तो ऐसे लोगों के लिए आर्टिकल 16 क्या कहता है कि ये स्टेट सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे डिसएडवांटेज क्या करें, पावर टू स्टेट टू मेक प्रोविजन, उनके लिए कानून बनाए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, वो चाहे रिजर्वेशन के थ्रू हो या जिस तरह से भी हो, जो लोग पिछड़ गए हैं, पीछे रह गए हैं, तरक्की के राह में पीछे रह गए, उनको भी आगे बढ़ाइए, क्योंकि हमारे देश में, हमारा देश ओवरऑल उसी टाइम प्रोग्रेस कर सकता है, डेवलप कर सकता है, जब देश में रहने वाले सारे लोग डेवलप करेंगे। कुछ लोग अगर पीछे रह जाएंगे तो फिर देश पीछे रह जाएगा, इसलिए सबको लेकर चलना है। सो और क्या प्रोविजन है आर्टिकल 16 में? सो रिजर्वेशन कैन बी मेड फॉर वेमेन, चिल्ड्रन एंड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी एंड माइनॉरिटीज। अगर इनमें से दीज आर इनमें से कोई पीछे रह गए, तरक्की के राह में पीछे रह गए, पिछड़ गए, इनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया, वो चाहे वेमेन्स हो, मान लीजिए जैसे अभी बात चल, बहुत दिनों से ये बात चल रही है कि लोकसभा में वेमेन्स का रिप्रेजेंटेशन उनके पॉपुलेशन के हिसाब से कम है, तो जब कम है तो नॉर्मल कंडीशन से उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है, तो उन्हें क्या करना होगा, रिजर्वेशन देना होगा, जैसे पंचायत इलेक्शन में बिहार में दिया गया है। चिल्ड्रंस एससी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट जिसको दलित कहते हैं, एसटी शेड्यूल ट्राइब जो आदिवासी लोग हैं, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास एंड माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज में कौन कौन लोग आते हैं? माइनॉरिटीज में मुस्लिम्स जो सब कम तादाद में है, मुस्लिम्स, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, सो दीज ऑल दे ऑल ये सब जो है माइनॉरिटीज में आते हैं। अगर ये लोग, इन लोगों का भी प्रोग्रेस नहीं हो पाए, डेवलप नहीं कर पाए एज ए होल कम्युनिटी, तो इनको भी रिजर्वेशन दे करके मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए,
ताकि ये लोग भी डेवलप हो और देश भी डेवलप हो। सो ये सारा प्रोविजन किस में है? आर्टिकल 16 में है। आर्टिकल 16 सेज रिजर्वेशन कैन बी मेड फॉर वुमेन चिल्ड्रन एससी एसटी ओबीसी एंड माइनॉरिटीज एंड फिजिकली चैलेंज्ड, और ऐसे लोग जो हमारे समाज में फिजिकली चैलेंज्ड है यानी बूढ़े लंबे हैं या किसी तरह से डिसेबल है, तो ये एक पैर वाला और एक जो है बूढ़ा लंबा दोनों को कॉम्पिटिशन में एक साथ नहीं दौड़ा सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं दौड़ा सकते, तो इसलिए उनके लिए थोड़ा हमें कुछ रिलैक्सेशन देना पड़ेगा। इसी तरह से एक आँख वाला है एक ब्लाइंड है, दोनों में हम कंपटीशन नहीं कर सकते हैं, तो अगर एग्जाम होगा तो आँख वाले को अगर हम 3 घंटा लिखने का मौका देते हैं तो विदाउट आई जो ब्लाइंड है उसे हमें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तब जा करके वो हमारे मेन स्ट्रीम से जुड़ सकते हैं। इसीलिए रिजर्वेशन की जरूरत है। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट द वीकर एंड बैकवर्ड सेक्शन फॉर फ्रॉम सोशल इंजस्टिस। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समाज में इनजस्टिस ना हो, समाज में जस्टिस करें। इसके साथ जो वीकर सेक्शन है, जो गरीब लोग हैं, बैकवर्ड हैं, पिछड़ गए हैं, ये डेवलप नहीं कर पाए हैं किसी कारण, तो इनके साथ सोशल जस्टिस किया जाए, इनके साथ सोशल इनजस्टिस ना हो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको इंश्योर करना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, इन लोगों के साथ किसी तरह का सोशल इनजस्टिस ना हो। एंड नेक्स्ट आर्टिकल, वी कम टू आर्टिकल 17। So what Article 17 says? It says the Article 17 declares that untouchability. Untouchability means छुआ छू, एक दूसरे से दूर, उसको टच नहीं करना। ये बिफोर इंडिपेंडेंस 1947 हमारे देश में बहुत ज़्यादा untouchability था, छुआ छू, छोटी जाति बड़ी जाति, जहाँ पे बड़ी जाति के लोग रहते थे वहाँ पे छोटी जाति के लोग बैठ नहीं सकते थे, जहाँ पे बड़ी जाति के बच्चे पढ़ते थे वहाँ पे छोटी जाति के बच्चों को इंटर नहीं करने दिया जाता था, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान को लिखा, जिन्होंने जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिनको कहा जाता है, उनके साथ भी बचपन में भेदभाव हुआ, क्योंकि वो दलित जाति से आते थे, बड़ी जाति के लोग दलितों से घृणा करते थे, अनटचेबिलिटी उनके प्रैक्टिस में था। इसीलिए देश आज़ादी होने के बाद, देश को जब आज़ादी मिली तो कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को गारंटी रखा गया आर्टिकल 17 में कि अनटचेबिलिटी अबॉलिश खत्म कर दिया, अनटचेबिलिटी नहीं होगा। अगर कोई किसी तरह का भेदभाव करेंगे, छोटे बड़े के नाम पे घृणा करेंगे, नफरत फैलाएंगे, वो उनको पनिश किया जाएगा। प्रैक्टिस फॉरबिडन इन एनी फॉर्म, यानी अनटचेबिलिटी छुआछूत किसी भी फॉर्म में हमारे समाज में नहीं चलेगा, आर्टिकल 17 में इसका प्रावधान है। सो पीपल हैव नाउ बिगन टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट वन अनदर एंड देयर रिलीजियंस practices also, so there are less conflicts on the communal land. So देखिए जितना एक दूसरे को अब पहले जितना एक दूसरे से दूरी बना करके रखेंगे, एक रिलीजन वाले दूसरे रिलीजन से, एक जाति वाले दूसरे जाति से जितनी दूरी बना करके रखेंगे, तो आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ता जाता है, और इस मिसअंडरस्टैंडिंग गलत फहमी के कारण आपस में लड़ाई झगड़े दंगा फसाद होता है। तो अब लोग समझना शुरू करते हैं, जैसे जैसे लोग एजुकेटेड होते जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग बन रही है, और एक धर्म वाले दूसरे धर्म वालों को रिस्पेक्ट की भावना से देखेंगे, देखते हैं उनके रिलीजियस प्रैक्टिस की रिस्पेक्ट करते हैं, वो उसके रिलीजियस प्रैक्टिस को रिस्पेक्ट करते हैं। अगर हमें किसी चीज़ को अगर हम अच्छा नहीं लगता तो हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, एक रिलीजन का कल्चर, एक रिलीजन वाले को दूसरे रिलीजन की चीज़ें अगर अच्छी नहीं लगती है तो उसको बर्दाश्त करना होगा, उस रिलीजन की चीज़ इस रिलीजन वालों को अगर अच्छी नहीं लगती तो इनको,
टॉलरेंस की भावना होनी चाहिए कि भाई उनके लिए वो अच्छा है, वो अपना कर रहे हैं, इनके लिए ये अच्छा है, ये अपना कर रहे हैं। अगर इस तरह की लोगों के अंदर में अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी है, तो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा एक कम होता जाएगा, लेस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द कॉमन लैंड। ये जो धर्म के नाम पे दंगा फसाद होता रहता है, जब एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, बात करेंगे, टॉलरेंस की भावना होगा, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की भावना पैदा होगी, तो क्या होगा हमारे देश में कॉमनल कॉन्फ्लिक्ट यानी धर्म दो धर्मों के बीच में लड़ाई, दो जाति के बीच में लड़ाई जो होती है ये सब नहीं होगी। और ये अगर कॉमनल लैंड में दंगा फसाद अगर नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तो हमारा देश डेवलप करेगा और ओवरऑल हम सब लोग डेवलप करेंगे। जितना ज़्यादा लड़ाई आपस में दंगा फसाद ये सब होगा, उतना ही हम पीछे रहेंगे, आगे नहीं बढ़ सकते। सो इक्वालिटी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द और कंडीशन फॉर एनी प्रोग्रेसिव सोसाइटी। इसीलिए हमारे फ्रेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे लीडर्स जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, लिख रहे थे, तो उन्होंने इक्वालिटी पे जोर दिया। इक्वालिटी से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो मेंशन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि अगर समाज में इक्वालिटी होगी, इनजस्टिस नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, मिलजुल करके रहेंगे, तो क्योंकि एक समाज को प्रोग्रेसिव बनाना, डेवलप बनाने के लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। क्या? इक्वालिटी। इक्वालिटी इज बेसिक रिक्वायरमेंट टू मेक प्रोग्रेसिव सोसाइटी, टू मेक प्रोग्रेसिव कंट्री। सो दैट इज व्हाई तो इसका रिजल्ट कंक्लूजन क्या निकलता है, सो दैट इज व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्ट्राइव टू ब्रिंग अबाउट इक्वालिटी इन इंडिया। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात की इक्वालिटी के लिए स्ट्राइव्स किया गया टॉपिक ही है। स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी मीन्स स्ट्रगल, यानी इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल किया, कोशिश की कि हमारे देश में, हमारे समाज में इक्वालिटी हो, इनजस्टिस ना हो, भेदभाव नहीं हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, इससे हम और आप सारे देशवासी और हमारा देश डेवलप करेगा। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस।